हेलो हाय एंड नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो अभी बजे हैं शाम के 6:30। तो अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं शादी में जाने के लिए। तो आज हम शादी में जा रहे हैं बिजनौर नजीबाबाद में। तो वहाँ पे हमारी बुआ की लड़की का शादी है। तो ऐसे तो हम लोग तैयार हो गए हैं, फेस मेकअप तो हो गया है और अभी ड्रेस नहीं पहना है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से लहंगा पहन लूँगी। तो हम लोग यहीं से रेडी होके जाएंगे डायरेक्ट जहाँ पे शादी, जहाँ पे जिस होटल में शादी हो रही। तो अब हम लोग भी वहीं जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को देखने को मिलेगी मेरी वीडियो में बिजनौर यूपी की शादी। तो मैं भी पहले बारी अटेंड कर रही हूँ। तो मैंने भी अभी तक बिजनौर में शादी किस तरीके से होती है तो देखा नहीं है। तो ज़रूर ज़रूर मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे होती है शादी। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव नहीं जा रहे हैं शादी में, मुझे छोड़ दिया क्योंकि फ्रेंड्स घर पे अकेला नहीं, बोलो छोड़ा मैं नहीं अकेले। है क्योंकि ये जा ही नहीं रहे। हाँ मम्मी, तो यहाँ पे सब लोग अभी रेडी नहीं हुए हैं। अभी अनीता ने भी ड्रेस चेंज नहीं करा है। तो देखो मैडम को यहाँ पे हेलो करो। हेलो, अब मेरा मेकअप इन्होंने करा है और फिर फोकट में यूँ कह रहे पार्लर में करो। मैंने कहा क्यों करूँ मैं पार्लर में, अच्छा ही कर रखा मैंने। अच्छा हो रखा ना मेकअप। तो ये मैंने लहंगा के पर्पज से कर रखा है, पर अभी सूट पहना है मैंने। अभी तो शादी यहाँ पे पहले मैं ही लगा रही हूँ आईलैशेस जल्दी। तो यहाँ पे मेरा कोई भी आईलैशेस नहीं लगा। पता नहीं आईलैशेस का ये ट्यूब खराब था या क्या था, सारा मेरा फेस का मेकअप भी खराब हो गया, सारा आंसू आंसू से हो गए। तो यहाँ पे फिर से हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हम ड्रेस चेंज नहीं कर रहे, वहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा मिठाई के डब्बे अंदर रख दो ना। तो फ्रेंड्स, हमने सारा सामान रख दिया है। तो चलते हैं अब हम भी नजीबाबाद की तरफ। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं परी के लिए। अभी परी पार्लर से तैयार होके आ रहे हैं। परी ने लगा रखे हैं नेल्स, दिखाना कितने लगे नेल्स लगाने में। 2500 से स्टार्टिंग है, मैक्स कितना भी करा। सारा मेकअप का है ना? नहीं, 2500 की खाली नेल्स है, 2500 का मेकअप है। मुझे भिजवा दो घर हो तुम। फ्रेंड्स, रात के करीब 10 बज चुके हैं। तो अब पहुँचे हम लोग घर में। तो सभी उधर कमरे में तैयार हो रहे हैं और मैं भी तैयार हो रही हूँ, बस हेयर स्टाइल बनाने हैं। तो घर के बाकी सब लोग चले गए हैं जहाँ पे शादी होनी है। और मेरा हेयर स्टाइल भी हो गया है रेडी। तो मैंने बाल स्ट्रेट कर दिए हैं, अभी लोग हो गए हैं तैयार। तो निकलते हैं अब। आप भी हो गए हो भी? इधर देखो गाइस, फोन बताओ। गुन्नू को बस इसी बात की खुशी रहती है कि कहीं भी जाओ आइसक्रीम मिलेगा। तो ये है आइसक्रीम का बुकड़ू। फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं शादी हॉल में। सभी जा रहे हैं यहाँ पर। लेट हो गए क्योंकि हमें यहाँ आके फिर दोबारा से तैयार होना पड़ा, इसलिए सो। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जहाँ पे शादी हो रही है ये काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। तो अभी यहाँ पे फूट रहे हैं पटाखे। चलो कहाँ जानो, पर एक चोट मिल दो सही। तो थोड़ी देर हमने शादी में थोड़ी देर हमने घूम लिया है। तो इसके बाद हम जा रहे कुछ खाने के लिए। तो कुछ खा के तब बैठते हैं अच्छे से। क्या भी हुए?
हेलो बोल दो मेरे गाइस। अभी ना फ्रेंड्स अभी हो रखे रात के 12:30, तो अभी बारात आ ही रही है, तो हम लोग जा रहे हैं अब बारात को वेलकम करने के लिए। हो गए हैं रात के 2:40, तो देख सकते हो अभी हो गए हैं रात के 2:40, तो अभी तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। ऐसे थोड़ा सा हमने फास्ट फूड वगैरह तो खा लिया था, पर मौसम की बात करें तो अभी बादल लगे हुए हैं, तो ऐसा तो बारिश होने का मौसम हो रहा अभी, तो अभी सारा सुनसान हो गया क्योंकि सब लोग चले गए हैं अपने घर। तो यहाँ पर जो खास मेन है तो वही लोग ही हैं अभी यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दो साइड में हमारा खाना खाने का व्यवस्था है, तो ये तो नॉर्मली जैसे शादी में होता है तो उस हिसाब से यहाँ पे व्यवस्था कर रखा है, पर जो यहाँ पे सामने है तो ये मेन मैसूरी अमृतसरी ढाबा, मतलब ये जो नजियाबाद का फेमस है, नजियाबाद क्या पूरे इंडिया में फेमस है, तो वहाँ के खाने के आइटम भी यहाँ पर शामिल है। तो आज हम टेस्ट करेंगे यही पंजाबी ढाबा के खाने का टेस्ट करेंगे, तो देख सकते हो आप अलग ही तरीके से सजावट कर रखा है। आप लोग नजियाबाद से ही हो ना, कहाँ से हो? अच्छा, हमारा रात का डिनर, तो इसमें सब सब्जी ज़्यादा है तो इतने सारे डिशे हैं। फ्रेंड्स अभी रात के 4 बज चुके हैं, तो हम लोग आ गए हैं घर में। अभी विदाई का प्रोग्राम वहाँ पे ख़त्म नहीं हो रखा है, तो गुन्नू की वजह से हमें जल्दी आना पड़ा, तो हमने सारा चेंज अपने कपड़े वगैरह भी कर दिया है। तो यहाँ पे गुन्नू सोने की तैयारी में है, और नोनी को भूख लगी है ना, तो यहीं पर ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो बाय। अगर पॉसिबल हो पाएगा तो विदाई की वीडियो जरूर जरूर शेयर करूंगी।